हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अनिकेत, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आ चुका है ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर आसमान से। तो यार, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज और देखेंगे हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई कैसे करता है। और इसमें ग्रेविटी सेंसर दिया हुआ है यार, तो ग्रेविटी सेंसर के साथ हम टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा हेलीकॉप्टर अच्छे से काम करता है कि नहीं, और इसकी टेक्निक को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए ना एक लाइक अभी से ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और हम बाहर जाएंगे, घर के बाहर, और इसका टेस्ट करेंगे कि हमारा हेलीकॉप्टर काम करता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब आप बॉक्स को देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है हेलीकॉप्टर, और काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेट में ये बनाया गया है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा लुक है इसका। ऊपर के साइड में आपको दिख जा रहा है इंडक्शन, आउटडोर फ्लाई, यूएसबी चार्जिंग, एलईडी लाइट और भी सारे फीचर दिए गए हैं। पीछे साइड आपको तीन कलर का हेलीकॉप्टर मिल जाता है, ये तीन कलर में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, फटाफट इसे खोल कर देखते हैं कि अंदर में आपको क्या क्या मिलता है। तो तीन चीज़ आपको मिलता है फ्रेंड्स, एक तो पहला हेलीकॉप्टर मिल जाता है, सेकंड में ग्रेविटी सेंसर, और थर्ड में यूएसबी चार्जिंग केबल। तो फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर अच्छा खासा है और इसका मतलब छोटा साइज़ का हेलीकॉप्टर फ्रेंड्स, ये छोटा साइज़ भी नहीं बोल सकते, इसे मीडियम साइज़ हम बोल सकते हैं। तो इसके नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है, और ये साइड में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और पीछे के साइड में सिर्फ शो के लिए ऐसे पंखा बनाया हुआ है फ्रेंड्स। और ये है ग्रेविटी सेंसर, जिसे हम हाथ में पहनकर और अपने हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं ग्रेविटी सेंसर में, और आप जब बटन दबाते हो तो यहाँ पे एलईडी ग्लो होती है। और फ्रेंड्स, ये है यूएसबी चार्जिंग केबल, आपको घर के जो चार्जर होते हैं, मोबाइल जिसे चार्ज करते हो, उससे कनेक्ट करके आप इसे हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हो। और जब चार्ज करोगे तो यहाँ पे एक एलईडी जलेगी रेड कलर की, तो आप आधा घंटा चार्ज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं आपको ग्रेविटी सेंसर को पहन कर दिखाता हूँ, और बाहर हम जल्द ही चलेंगे फ्रेंड्स और अपने हेलीकॉप्टर को टेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाहर चलते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं बाहर आ चुका हूँ, और देखिए कुछ इस तरीके से फ्लाई करता है फ्रेंड्स। तो यार, मैं नया नया बंदा हूँ, मैंने इससे पहले कभी हेलीकॉप्टर नहीं चलाया, मतलब चलाया था रिमोट वाली, लेकिन ग्रेविटी वाली पहली बार चला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप चाहोगे तो आप सीख सकते हो ग्रेविटी सेंसर से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान है, उतना भी मुश्किल नहीं है। तो मैंने हल्का हल्का इसे मतलब चलाना सीख लिया, और मतलब अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो और हेलीकॉप्टर को परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। ये काफ़ी सस्ता हेलीकॉप्टर आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। तो अधिक जानकारी के लिए लिंक ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो ये काफ़ी अच्छे से फ्लाई करता है फ्रेंड्स, और इसके जब नीचे आप हाथ डालोगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। इसके नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स, जब आप इसे हाथ लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा, और जैसे हेलीकॉप्टर ज़मीन में गिरता है या फिर दीवार में टकराता है या फिर इसके पंखे रुकते हैं तो ये आराम से स्टॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा भी नहीं जल्दी से। तो ये काफ़ी मजबूत हेलीकॉप्टर फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छी कीमत में आपको मिल जाता है। तो इसे मैंने घर रूम के अंदर भी फ्लाई करके देखा फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छे से फ्लाई हो रहा था। देखिए कुछ इस तरीके का ये अच्छे से फ्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे परचेज कर सकते हो और इसे खेल सकते हो, ये काफ़ी मज़ेदार टॉय है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉयज़ वाली वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।